मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने पोयम एवरीबडी सेज पढ़ी थी और उसका मतलब समझा था और कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे थे। तो चलिए आज हम लोग उसकी एक्सरसाइज और वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है, ये पोयम थी, हम लोगों ने इसको पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इसके वर्ड मीनिंग करते हैं, फिर हम लोग इसकी बुक का काम करेंगे। देखिए क्या करना है, ऊपर आप चैप्टर का नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ पेन से लिखा, आप पेंसिल से लिखेंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखिए ऊपर चैप्टर का नाम लिख लेंगे, एवरीबडी सेज, यहाँ वर्ड और ये मीनिंग उसका मतलब है ना। एवरीबडी, देखो फिर से देखो, एवरीबडी, ई वी ई आर वाई बी ओ डी वाई, एवरीबडी उसका मतलब क्या है, हर कोई। ठीक है, हर कोई। लुक, एल डबल ओ के लुक, इसका मतलब हो गया रूप। इमेज ऑफ, आई एम ए जी ई, इमेज ऑफ, प्रति रूप, प्रति रूप। ठीक है, सेज, एस ए वाई एस, सेज मतलब कहते हैं। लाइक, L I K E, like मतलब जैसा। Want, W A N T, want चाहना है ना, चाहना। आप इसको लिख लेंगे, ठीक है, या मम्मी पापा किसी से बोलेंगे, वो आपको रफ कॉपी पे लिख के दे देंगे, फिर आप उसको अपनी राइटिंग पे कॉपी पे उतार लेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग इसके एक्सरसाइज के ऊपर बढ़ते हैं ना। देखिए ये पहले क्या कर रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगहों पे भरना है। एवरीबडी सेज द चाइल्ड लुक लाइक हर मदर, यहाँ पर मदर भरेंगे, मैंने मदर पे टिक लगाया है। ओके, एवरीबडी सेज द चाइल्ड्स नोज इज लाइक हर फादर्स, फादर्स पे टिक लगाया है मैंने। ठीक है बेटा, अब देखो नेक्स्ट, द पोएट सेज आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, जो पोएट है वो कहना चाहती है कि मैं बिल्कुल अपने जैसे बनूंगी। आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, मी मी पे टिक लगा है ना। अब ये क्वेश्चन आंसर यहाँ पर मैंने किए हैं, आप इसको नोट कर लेंगे, उसके बाद इसको कॉपी पे भी करेंगे। ओके, ये आपको कॉपी पे भी करना है क्वेश्चन आंसर। देखो इन द सेकेंड क्वेश्चन है, इन द सेकेंड लाइन वॉट डज एवरीबडी सेज अबाउट द चाइल्ड, तो आंसर देखो, एवरीबडी सेज दैट शी लुक्स लाइक हर मदर, यहाँ पूरा लिखेंगे यहाँ से है ना। एवरीबडी सेज दैट शी, एस एच ई शी, लुक्स, एल डबल ओ के एस, लुक्स लाइक, एल आई के ई लाइक, हर, एच ई आर हर, मदर, एम ओ टी एच ई आर, मदर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला देखो, हु इज द चाइल्ड एन इमेज ऑफ, द चाइल्ड इज एन ए एन एन इमेज ऑफ हर आंट, ए यू एन टी आंट, बी बी डबल ई बी, द चाइल्ड इज एन इमेज, आई एम ए जी, इमेज ऑफ हर आंट बी। ठीक, इसको लिख लेंगे, पहले रफ कॉपी पे लिखना, और रफ कॉपी पे लिख कर या बुक पे लिख करके तब इसको कॉपी पे, अपनी फेयर कॉपी पे इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, ये वाला बुक में ही करना है। वट डज दिस लाइन मीन्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ दिया गया उस लाइन का मतलब क्या, उस पर टिक करना है। बट आई वॉन्ट टू लुक लाइक मी, उसका कहने का मतलब द पोएट वॉन्ट टू लुक लाइक हर सेल्फ, अपनी तरह, द पोएट वॉन्ट टू लुक लाइक हर मदर, या पोएट वॉन्ट टू लुक लाइक हर आंट, नहीं वो अपनी तरह दिखना चाहती थी, द पोएट वॉन्ट्स टू लुक लाइक हर सेल्फ। ठीक, अब देखो आगे हम लोग करते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग जोड़ते हैं, जैसे बटर और फ्लाई मिलकर के क्या बन गया, बटर फ्लाई बना। ऐसे देखो और भी बहुत सारे बनेंगे, देखो ये बेड और रूम मिलकर के बेडरूम बन गया,
फायरमैन मिलकर के फायरमैन बन गया ना, उसी तरह देखो यहाँ पर भी है, नीचे हमें बनाना है, ठीक है। यहाँ पर देखो उसने एग्जांपल दिया, रेन और कोट मिलकर के क्या बना, रेन कोट। देखो आउट और ये साइड मिलकर के बन गया आउटसाइड, है ना। जेंटल और ये मैन मिलकर क्या बना, जेंटलमैन। ये कैंप और फायर मिलकर बन गया कैंप फायर। हेड और मास्टर मिलकर बन गया हेड मास्टर, ठीक। इसको बुक पे ही करना है, ठीक है, ये कर लेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है, ये पोयम जो थी, ये हमारी ख़त्म हो गई। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।